हेलो दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ आईफोन एक्स के बारे में, जो कि अभी कुछ ही दिनों पहले लॉन्च हुआ था। मैं वो आपको चार रीज़न बताने जा रहा हूँ जो उसके डिसएडवांटेजेस है। मतलब आप उसको ख़रीदने से पहले आप सोच सकते हैं कि ये चार रीज़न्स है उसके। तो पहला रीज़न ये है कि इट डजंट हैव दी एक्स फैक्टर। उसमें एक्स जैसा, मतलब एक्स जो नाम दिया है आईफोन एक्स को, तो उसको एक्स जैसा उसमें कुछ है नहीं। आईफोन एक्स जैसे कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है से भरपूर है, डुअल कैमरा है, बेजलेस डिस्प्ले है, पावरफुल चिपसेट है, वायरलेस चार्जिंग भी दिया गया है अभी। पर अब देखा जाए, दूसरे से कंपेयर करें जैसे कि S8, Note 8, उन लोग उनमें सब कुछ ना कुछ, जैसे कि S8 में कर्व डिस्प्ले है, नोट 8 एस पेन के साथ आता है, एक कस्टमाइजेबल एस पेन है, तो और मोटोरोला में जैसे कि मोटो मोड्स है, शटर शील्ड डिस्प्ले है, वन प्लस 5 में देखा जाए तो डैश चार्जिंग है। पर एप्पल में जैसे कि आईफोन एक्स में एक्स का जो फैक्टर जो रहना चाहिए, एक्स स्टैंड्स फॉर व्हाट, मतलब क्या है एक्स का मतलब, तो ये एक्स पता नहीं चल रहा कि क्या है, तो ये उसमें एक्स फैक्टर नहीं है। अब दूसरा रीज़न ये है, सेकंड रीज़न आप देखा जाए तो वो इट्स एक्सपेंसिव है, बहुत टू एक्सपेंसिव। मतलब आप देखा जाए कि गैलेक्सी नोट 8 तो एक्सपेंसिव है ही, जैसे कि उसका $929 है। आप $929 नोट 8 का $929 से स्टार्टिंग है, तो आप इंडियन करेंसी में देखें तो वो 60,000 के अराउंड पड़ता है। मतलब तो अभी इंडिया में लॉन्च हुआ है नोट 8 67,000 में। तो आप अगर ऐसा देखे जाए, अगर आप आईफोन एक्स का देखा जाए तो वो $1,000 से स्टार्टिंग है, तो उसका आप कैलकुलेशन करेंगे तो वो 65,000, तो अराउंड आपको इंडिया में आपको 75,000 तक वो पड़ेगा। तो वो बहुत एक्सपेंसिव है, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो तो ले सकते हैं, पर जो मिड रेंज, जो जिसको मिड रेंज फ़ोन चाहिए और अच्छी बेजललेस डिस्प्ले चाहिए, वो चाहिए, तो उसके लिए बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो एंड्रॉयड मार्केट में आप देखा जाए तो LG V30 वो सब $800 में अवेलेबल है। वन प्लस 5 तो सबसे बेस्ट मिड रेंज में सबसे तगड़ा फ़ोन है, और उसकी प्राइस भी बहुत हद तक सीमित अच्छी है, और आप ले सकते हैं उसे। और तीसरा रीज़न आप देखें तो उसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर, जो स्कैनर रहता है ऑन बोर्ड में, तो वो नहीं दिया गया है। मतलब आप देखा जाए आईफोन सेवन जब लॉन्च हुआ था, 7 और 7 प्लस, उसमें हेडफोन जैक को हटा दिया गया था। अब इसमें देखिए फिंगरप्रिंट स्कैनर को हटा दिया गया है, जो कि बहुत ज़रूरी है। मतलब फिंगरप्रिंट स्कैनर एक ऐसा है कि मतलब आप स्पीडी है, आप तुरंत आप अनलॉक कर सकते हैं। अब इसमें उन लोग ने फेस आईडी लॉन्च की है, फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, उससे आप फेस रिकॉग्नाइज करेगा और उससे खुलेगा। तो आप देखा जाए कि S8 ने पहले लॉन्च किया था ये अपना आइरिस स्कैनर, आपकी आँखों के रेटिना से वो खुलता है। तो S8 में ऐसे फ़ोटो से ट्रिक भी हुआ था, पर एप्पल ऐसा क्लेम करती है कि ऐसा हमारा फेस आईडी में नहीं होगा, फेस आईडी में मतलब कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगी, और जो जिसका फेस है फ़ोटो से नहीं खुलेगा, वो जिसको लाइव फेस रहना चाहिए आगे, तभी जाके वो ओपन होगा। तो ये उसने टेक्नोलॉजी लॉन्च किया, चलो देखते हैं अब कैसा वो है नहीं है, अब चलाने के बाद पता चलेगा। और चौथा रीज़न ये है कि ज़्यादा सेक्सियर नहीं बनाया है। मतलब आप देखा जाए कि आगे से फ्रंट से थोड़ा बहुत सेक्सी लग रहा है एकदम, आगे से अब पीछे से देखें तो उसका जो डुअल कैमरा का लुक है वो थोड़ा एकदम अजीब लग रहा है। मतलब आप देखे जाए तो डुअल कैमरा, मतलब जैसे कि आईफोन 7 प्लस में जो डुअल कैमरा जो लुक था, लुक दे रहा था, वो वैसा लुक आईफोन एक्स पे नहीं दे रहा है। मतलब एक अलग ही लुक है, तो वो मतलब हट के लग रहा है, अलग लग रहा है, मतलब वो एकदम मज़ा नहीं आ रही उसमें, जो आईफोन 7 प्लस में थी जो है डुअल कैमरा का लुक, उसमें आईफोन एक्स पे नहीं है। तो ये है मेरे चार रीज़न्स आप आईफोन एक्स के। तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और आप चाहते हैं ऐसे वीडियो आना तो
आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।